No.
Cu ce stare am avut? Nu, cu ce stare am avut before? Cu ce stare do you were there when we were dying? Sola singer. Tell me chose Atif. Cu ce stare? Nai, Bakuda. Bakuda, ha. 15 singer. Bakuda? बट कुछ अरे उसके बाद ही स्टॉप डूइंग तो सिंगल्स ना बाखुदा आने के बाद ही क्वेश्चन कौन पूछ रहा है सर आज म्यूजिक वीडियो की बात करें क्या कहना चाहेंगे जो आज रिलीज जो है उसके बारे में तो आपका इंटरव्यूअर कौन है अच्छा तो हाँ ये जो म्यूजिक वीडियो चल वहाँ जाते हैं इट्स एक रोमांटिक ट्रैक है और मेरे हिसाब से आज की जो यूथ है वो काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे इससे खासकर क्योंकि बहुत ही हकीकत में बहुत ऐसा कुछ हो सकता है और बहुत ही रियल है बहुत ऑनेस्ट है इन दो कैरेक्टर्स जो है स्टोरी में बहुत ही ऑनेस्टली एक्सप्रेस करते और बाकी अपना डायरेक्टर साहब बताएंगे इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि टॉकिंग टू हिम ना सॉरी जोड़ी बहुत प्यारी जोड़ी है और एक हीरोपंती एक हीरोपंती के साथ होते हुए एक रोमांटिक फिल्म थी तो उसे मद्देनज़र रखते हुए वी थॉट इसे हम एक रोमांटिक गाना बनाते एंड गिव बैक द पेयर ऑफ हीरोपंती एंड जिसे यूथ ने बहुत सहारा है एंड दे हैव रियली अप्रिशिएटेड द जॉब एंड द केमिस्ट्री तो दैट्स व्हाट वी ट्राई टू गेट इन दिस सॉन्ग एंड आप देखो इसमें डांस बहुत कम है स्टोरी लाइन है काफ़ी अच्छी खासी रोमांटिक लाइन है बचपन से लेके जवानी तक व्हाट हैपेंस इन द लाइफ एंड बिकॉज द सॉन्ग आस्क फॉर सच अ हैवी स्टोरी लाइन द लिरिक्स आई शुड नॉट फॉरगेट इट्स रिटन बाय वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन विराग जिन्होंने वो गाना लिखा था सिटी लाइट्स का मुस्कुराने की वजह तुम हो तो बहुत ही राइट्स वेरी ब्यूटिफुली तो जिस तरह उन्होंने लिखा है आसमां के परे एक जहाँ है कहीं तो इट्स ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट अ वर्ल्ड विच इज़ बियॉन्ड दिस यूनिवर्स सो दैट फर्स्ट लाइन ट्रिगर्स टू मेक इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड कोर लव स्टोरी एंड दैट्स वॉट वी हैव मेड विद दिस ब्यूटिफुल पेयर एंड आई रियली लव शूटिंग विद दैम बिकॉज एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी मिली है टू एन एक्सटेंड दैट आई कैन से इट मैचेज अप टू एनी बिग एक्टर्स आई वर्क विद एंड आई रियली इन्जॉयड के मुझे कई बार लगा कि यार मैं रॉन्ग जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ सर्टन स्टोरी टेलिंग तो वी हैड टू शूट सम पोर्शंस जस्ट टू ऐड इन टू दे आर ब्यूटिफुल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड डूइंग द एंटायर एक्ट सर 90 का दशक था एल्बम आती थी सीरीज की एक से एक बड़ी बड़ी एल्बम आती थी एल्बम का दौर अभी दोबारा स्टार्ट हो रहा है शुरू हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ये शुरू किया है हमने सोचा था भूषण मैंने करेंगे हम बिकॉज हमने बहुत सारा काम किया बट एक दिन टाइगर श्रॉफ ने बोला कि मुझे एक वीडियो करना है वहाँ से इट जस्ट ट्रिगर्ड ऑफ एंड कहते हैं ना चिंगारी चाहिए होती है बड़े से लावा या आग के लिए तो चिंगारी टाइगर थे एंड हमने उसे हवा दे दी और तो वो चिंगारी आग बन गई एंड टुडे आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड टू से दैट पूरी इंडस्ट्री ने उसे वेलकम किया है ऑडियंस ने वेलकम किया है एंड मैनी ऑफ द एक्टर्स वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ म्यूजिक वीडियोज़ इज़ द बेस्ट वे टू स्टे कनेक्टेड टू योर यूथ ऑडियंस थ्रू यूट्यूब एंड दैट्स लाइक काइंड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट दैट्स द थिंग लोग एल्बम अपनी पहचान बनाने के लिए करते हैं लेकिन वही देखिए क्या होता है कि एक माइंडसेट होता है कई लोग कुछ बनने के लिए कुछ करते हैं और कई लोग बनने के बाद कुछ करना चाहते हैं तो कृति टाइगर दीज यंगस्टर्स आर फॉलोइंग दैट ट्रेंड विच इज़ वेरी नाइस क्योंकि लाइफ में कुछ बन गए हैं अब कुछ करना है एंड इफ़ यू सी करना है मतलब ये होता है कि यार कुछ एड फिल्म कर लेते हैं ये पैसे ले लेते हैं But doing it for the fans completely with no cost, I think that is, I can say, karna hai. And that's what they did. So, iske baad, it opens a big door for many people, chahe wo music directors ho, naye technicians ho, DOPs ho, choreographers ho, directors ho, writers ho, setting wale ho, production designers, production people, spot boy, lightman, sab ke liye ek naya zariya khulta hai and it's a very nice thing. If an actor comes forward and says, I'll do free of cost, and let others make money and that's what they've done it's very sweet of them dono ko khas lene ka maqsad kuch ek picture rehti hero panti wohi na na wohi hai they make a good pair and youth likes them but next video if you want we can do I'll take tiger and matlab I will ask rekha ji she can do and with kriti I'll ask into say shatru saab or somebody
लाइक अ नाइस बात करें, क्या कहना चाहिए शूटिंग के दौरान कैसे केमिस्ट्री रही एमएजी के साथ? एमएजी के साथ केमिस्ट्री एल्बम में पूरा बात करें वेल मेरे लिए एक्चुअली ऐसा लग रहा था जी मैंने एक्चुअली अहमद सर को कॉल किया था ज़िंदगी के लिए कंग्रेचुलेट करने के लिए और मैं उन्हें बोल रही थी कि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छा म्यूज़िक वीडियो है एंड टाइगर्स लुकिंग सो गुड. अगले दिन का कॉल आता है कि हम एक और करने का सोच रहे हैं और एक रोमांटिक ट्रैक है टाइगर्स ऑन, तू करेगी क्या? So I was like, yeah, why not? And when it's such a great team on board and for me it is, मुझे ऐसा लग रहा था आई एम बैक ऑन हीरोपंती बिकॉज टाइगर वॉज देयर, अहमद सर कोरियोग्राफ बोथ ऑफ अस बिफोर इन हीरोपंती. हमारे डी ओ पी भी हरी सर जिन्होंने हीरोपंती में हमारे साथ काम किया था वो ही थे. तो और हमने एग्जैक्टली एक साल बाद शूट करना स्टार्ट किया 23 मई जब हीरोपंती रिलीज़ हुई थी. एक साल बाद हमने उसी दिन पर ये म्यूज़िक वीडियो स्टार्ट किया है शूट करना. तो बहुत ही नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था सेम टीम के साथ. एक कंफर्ट लेवल होता है, आप एक दूसरे को जानते हैं. तो काफ़ी मज़ा आया ये सॉन्ग शूट करने में. ऊपर से सॉन्ग इतना ब्यूटीफुल था और जो स्टोरी लाइन अहमद सर के दिमाग में थी वो बहुत ही इनोसेंट थी, बहुत यंग थी. ऐसी स्टोरी थी जो हम सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ है, यू नो, स्कूल में या कॉलेज में जब हम किसी के लिए कुछ फील करते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं. तो आई रियली लाइक द होल कॉन्सेप्ट एंड या आई थिंक एक ज़रिया था टू काइंड ऑफ से अ बिग थैंक यू टू ऑल दी ऑडियंस जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया और हमें इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया. एक न्यू कॉमर्स की फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स बहुत ही कम मिलता है. सो आई एम रियली रियली ग्लैड, आई एम अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. एंड हाँ, आई थिंक म्यूज़िक वीडियोज़ आना धीरे धीरे बंद हो गए थे बट इट इज़ अ वेरी वेरी गुड वे टू स्टे कनेक्टेड. पिक्चर जब हम बनाते हैं तो वो पिक्चर शूट होने में इतना टाइम लगती है, आने में टाइम लगती है, डेढ़ साल बाद एक डेढ़ साल बाद आपकी नेक्स्ट फिल्म आती है. तो इन अ वे टू स्टे कनेक्टेड विद द ऑडियंस आई थिंक इट्स अ फैबुलस वे एंड या आई लव डूइंग इट, आई लव शूटिंग फॉर दिस. अभी सब तो बोल ही दिए उन्होंने पर कहाँ शूट हुआ? विस्लिंग वुड्स इंस्टीट्यूट. देखी जाए तो विस्लिंग वुड्स बहुत ही मशहूर जगह है, फिल्म इंस्टीट्यूट है दुनिया में. पर जिस तरह अहमद सर ने शूट किया इस गाने को, इट डजेंट लुक लाइक इट्स विस्लिंग वुड्स. बहुत ही अलग नज़र आ रहा है विस्लिंग वुड्स. और या और बाकी सवाल क्या था? एल्बम की अगर बात करें, आपकी सबसे फेवरेट एल्बम कौन सी है, गाना जो आपके काफ़ी दिल के करीब बचपन से सुनते आ रहे हैं जो आपको? माइकल जैक्सन के कोई भी गाने, थ्रिलर पकड़ो, बैड, स्मूथ क्रिमिनल. आपके पापा से आपको क्या क्या टिप्स मिलती है कि ऐसे करना चाहिए, करना चाहिए? कुछ बताते ही नहीं मुझे, बस बोलते ही बिंदास काम कर लो. और हाँ कुछ बताते नहीं मुझे. पापा के साथ या कृति के साथ? कृति के साथ. कृति के साथ हाँ बिल्कुल. पर ये तो फिलहाल बहुत बिजी है, शायद जब इनके पास डेट्स हो तो ज़रूर. हाँ जी, रनिंग फिलहाल एक बागी करके पिक्चर कर रहा हूँ मैं, और उसके साथ साथ एक सुपर हीरो मूवी फ्लाइंग जेट करके रेमो सर के साथ, बालाजी के साथ. थैंक यू सो मच. सीने से तुम मेरे आके लग जाओ ना, डरते हो क्यों जरा पास तो आओ ना, धुन मेरी धड़कनों की सुनो, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं. थैंक यू.